Hi friends, how are you? I am Anshu Joshi from HJ Visual Effects, and today I am going to show you how to create this. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले After Effects में जाएंगे, Add में जाएंगे, Video Footage सेलेक्ट करेंगे, Open करेंगे. वीडियो फुटेज को टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे. जीरो प्रेस करेंगे. सबसे पहले आप इस तरह से अपना एक वीडियो बना लीजिए. नॉर्मली एक ऐसा वीडियो बना लीजिए. इसके बाद लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे और लेयर का डुप्लीकेट बना लेंगे. इस तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद सेकंड लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और फ्रीज फ्रेम कर लेंगे. बेस्ट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे. इस तरह से एक फ्रेम आगे पीछे करके देख लेंगे. और बेस्ट फ्रेम सेलेक्ट करके फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और स्प्लिट लेयर कर लेंगे. थोड़ा जूम करेंगे, सेकंड लेयर के लास्ट फ्रेम में जाएंगे, एक फ्रेम आगे पीछे करके देख लेंगे. सेकेंड लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, टाइम में जाएंगे और फ्रीज फ्रेम कर लेंगे. इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्टेड फ्रेम था वो फ्रीज हो गया है. थोड़ा जूम करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे. पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और अपनी फोटो के चारों ओर मास्किंग कर लेंगे. इस तरह से इजीली आप मास्किंग कर सकते हैं. थोड़ा टाइम लेके अच्छे से मास्किंग कर लेंगे. इतना करने के बाद जूम आउट करेंगे और थर्ड लेयर को इनविजिबल करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को. तो इस तरह से बैकग्राउंड ब्लैक दिखना चाहिए. सभी ऑप्शंस को ऑफ कर लेंगे, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे,
सेकंड लेयर को छोटा कर लेंगे, सेकंड लेयर की टाइमिंग कम कर लेंगे और थोड़ा जूम कर लेंगे। सेकंड लेयर के लास्ट फ्रेम में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम सेट कर लेंगे। सेकंड लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे भी पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम सेट कर लेंगे और जो स्केल है उसको ज़ीरो कर लेंगे और इसकी जो पोजीशन है उसको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ से आप उड़ के आना चाहते हैं। इस तरह से ड्रैग करके इसे वहाँ तक ले जाइए जहाँ से आप उड़ के आना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे और पोजीशन चेंज करेंगे इस तरह से, थोड़ा और आगे जाने के बाद पोजीशन चेंज करेंगे और तीन चार की फ्रेम सेट करके पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब इसे मैनुअली सेट कर लेंगे। इस तरह से इजीली आप इसे मैनुअली सेट कर सकते हैं। ऑप्शंस को ऑफ कर लेंगे। जूम आउट कर लेंगे, प्ले करके देखेंगे। वर्किंग एरिया स्टार्ट को ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से आगे पीछे करके देख लेंगे। काफी हद तक वीडियो बन चुका है। अब ग्राउंड क्रैक वीडियो को टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे। इस वीडियो को फर्स्ट पोजीशन ऑफ लैंडिंग तक लेके जाएंगे। लैंडिंग का जो फर्स्ट फ्रेम है वहां तक जाएंगे और जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है वो जहां पे स्टार्ट होता है वहां तक लेके जाएंगे। इतना करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, कीइंग में जाएंगे और कीलाइट 1.2 पे क्लिक करेंगे। कलर को ग्रीन कर लेंगे और इस तरह से ग्रीन कलर हट जाएगा और इसे अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली एक पॉइंट पर ड्रैग करके इसे आप छोटा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लैंड होने के बाद जब मैं चल के आ रहा हूं तो जो इफेक्ट है वो मेरे आगे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे, सेकंड लेयर पे डबल क्लिक करेंगे
और इस तरह से रोटो ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और अपनी फुटेज के चारों ओर इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। जूम करेंगे, हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, रोटो टूल सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे और सिलेक्शन जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया है उसको हटा लेंगे। इस तरह से थोड़ा टाइम लेके आराम से इसको सिलेक्शन कर लेंगे। इस तरह से एक एक फ्रेम आगे करके सिलेक्शन करते जाएंगे इस तरह से। आप वीडियो से बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अच्छे से आराम से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन पूरा होने के बाद इसको जूम आउट कीजिए कंपोजिशन में जाइए और जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है उसको सेकंड लेयर के नीचे लेके आ जाइए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो सेलेक्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो अब जो फुटेज है वो इफेक्ट के आगे से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है वो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ग्राउंड क्रैक लेयर को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर में इस तरह से आगे पीछे करने के बाद जहाँ से चलना स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक जाने के बाद फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और स्प्लिट लेयर कर लेंगे। सेकंड लेयर को डिलीट कर लेंगे, ग्राउंड क्रैक को सेलेक्ट करेंगे और स्प्लिट लेयर कर लेंगे और थर्ड लेयर को डिलीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से इजीली आप इस इफेक्ट को बना सकते हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।